नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनीता मीणा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ राजमा की सब्जी। ये राजमा उबाल लिए हैं, ये है कोई पाव भर के करीब। और इसके लिए मैंने प्याज लिए, एक बड़ी प्याज थी जो मैंने काट ली। और ये है टमाटर, प्याज को मैंने पीस के ले लिया है। और इसी में मैंने खड़े मसाले भी डाल रखे, वो इसके साथ ही एक कप में मैंने पानी में भिगा दिए थे और इस टमाटर प्याज के साथ ही डाल के मैंने पीस लिया उन्हें भी। अब मैं सब्जी छोंकती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। भगोने में मैंने तेल डाल दिया है, प्याज डाल दिया मैंने, दोस्तों ये राजमा का उबला हुआ पानी है और मैं इसी में मसाले डाल रही हूँ। एक चम्मच हल्दी और थोड़ी सी आधी चम्मच दो और तीन और चार चम्मच के करीब मैंने मिर्ची गिरी है, तो खाने के चम्मच के ये दो चम्मच के बराबर है। अगर ये चार चम्मच गिरा है तो वो दो चम्मच के बराबर है। मिर्ची, धनिया दो तीन और चार और थोड़ा सा और, तो ये भी दो चम्मच, दो बड़े चम्मच के बराबर है। नमक मैंने उबलने में डाला था तो नमक मैं अभी थोड़ा डाल रही हूँ, थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि मैंने उबालने में डाल दिया था जब मैंने राजमा उबालने चढ़ाए थे। मुझे जरूरत लगेगी तो फिर मैं बाद में देख लूंगी। तो मैं तीखा पत्ती आगे डालूंगी। हम आप ये पत्ती मैंने मतलब क्या किया थी, काली मिर्च और तेजपात और सूखी हुई सौंठ और हरी इलायची, ये पांच चीज मैंने खड़े मसाले यूज करी है। मैं वो ऐसे तरीके में इसलिए डालती हूँ कि जब वो मुंह में तो कोई उसे खाने और फेंक दबा देता, इससे अच्छा तो उसको पानी में गाकर और मैं उसको प्याज के साथ ले लूँ। मैं इस तरह यूज करूँ, उसका भी अच्छा स्वाद आता है। दोस्तों ये जो मसाला मैंने पीसा हुआ था टमाटर प्याज, ये मैंने डाल दिया। अब जरा मेरा मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा, उसके बाद में मैं इसमें राजमा डालूंगी। अभी मैं इसे भूनने के लिए छोड़ देती हूँ, कम से कम 5-7 मिनट तक ये भूनेगा, तब जाके मैं इसमें सब्जी डालूंगी। देखते हैं दोस्तों, मसाला भून गया है और मैं इसमें राजमा डाल दूंगी। पाँच सात मिनट इसमें भुनेगा, उसके बाद मैं इसमें तरी डालूंगी। अभी मैं आपको ठहर के दिखाऊंगी, 5 मिनट बाद दिखाऊंगी। दोस्तों सब्जी बनके मेरी तैयार हो गई है, ये देखिए तरी डाल दी थी मैंने, ऐसे ही गाढ़ी सब्जी खाते हैं मेरे यहाँ। और अब मैं इसको परोस के चावलों के साथ फिर दिखाती हूँ आपको। दोस्तों देखिए मेरे राजमा की सब्जी बनके तैयार हो गई और मैंने इसको चावलों के साथ परोसा है। अब बताइए कैसी लग रही है मेरी सब्जी, और आप भी जल्दी जल्दी से बनाइए और मुझे बताइए। और मेरे वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।